बुजुर्गो, जब बंदा घर से निकलता है तो गाड़ी का तेल पानी चेक कर लेता है। मैंने कहा भी था अपने बेटे से, बच्चा है ना, लगता लापरवाही कर गया। तो फिर आप इस तरह करें, किसी को कॉल शॉल कर लें या फिर कोई टैक्सी पकड़ के ना गाड़ी टोचन कर लें। बहुत मेहरबानी बेटा, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, लाइसेंस प्लीज। सर मैंने गाड़ी चलाने का लाइसेंस मांगा है, वो दे मुझे। ओ यार, मैं मीडिया से हूँ और जल्दी में हूँ, इस वजह से इशारा टूट गया है, और वैसे भी जब मैं निकल रहा था उसी वक्त इशारा रेड हुआ है। सर फिर तो आपका फर्ज बनता था कि आप येलो देख कर रुक जाते। ओ यार बात सुनो, जो होना था वो हो गया है, अब बहस करके मेरा टाइम जाया मत करो, मैं लेट हो रहा हूँ। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आप लाइसेंस दे मैं चलान करूँ ताकि ये बहस खत्म हो जाए। चलान तो मैं नहीं करवाऊंगा, अपने एसपी का नंबर दो। एसपी साहब का नंबर तो नहीं है, आईजी साहब का दूं? ये तुम बात किस तरीके से कर रहे हो, जानते हो मैं कौन हूँ? सर मैं तो उनकी आवाज में बात नहीं कर रहा, आप यूं क्या बोल रहे हैं? फिर रखो, और जो तुमने करना है इस वक्त कर लो, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कोई मसला नहीं सर, ये इस्लामाबाद है, यहाँ कोई वजीर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई सहाफी, अगर हम लोगों को इस तरह छोड़ना शुरू कर देना तो फिर हमारे ड्यूटी करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ एक दो घंटे के अंदर अंदर। ठीक है सर, ये भी देख लेते हैं। अच्छा यार ये बता, साफी साहब ने कोई बात नहीं की? बातें तो उसने बहुत की और मैं भी सुनता रहा, लेकिन चालान उसका फिर भी मैंने कर दिया था। वैसे भाईजान, मैं तो ये देख के परेशान होता रहता हूँ कि हर गाड़ी के पीछे मीडिया लिखा होता है। और ये लोग समझते हैं कि मीडिया लिखने से गाड़ी उतनी ही आजाद हो गई है जितना मीडिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो भाईजान, तो कल आप इस्लामाबाद पुलिस जॉइन कर रहे हैं ना? हाँ यार। ओ मैं तो कहता हूँ यहाँ ही रहते तो क्या था यार। नहीं यार, मुजरमों को पकड़ने का बहुत शौक है मुझे, इन्वेस्टिगेशन का अपना ही चस्का होता है। जब एकेडमी में पढ़ते थे ना तो बड़ा मजा आता था। बस भाई, हमारी तरफ से दावत रह गई। अब मैं तो कहता हूँ जल्दी से विदाई पार्टी की तैयारी शुरू करो। वाले पार्टी वार्टी नहीं, गिफ्ट भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गिफ्ट तो बाद में देना, पहले ये आलू कीमा तो आराम से खाओ, जिंदगी में कभी आलू कीमा नहीं खाया पहले? खाया तो बहुत है यार, मगर छोटा कम खाया है, महंगा है ना। सुनिए, नई वर्दी तो लेते जाए, फिर वो आई पुरानी लेके जा रहे हैं। ये वर्दी पहनी इतनी है कि अब खुद ब खुद हाथ इसकी तरफ चला जाता है। ये ले। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इजाजत है। अब वापस कब तक आएंगे? पुलिस वाले के जाने का पता होता है, आने का नहीं, और पता नहीं वापस आता भी है कि नहीं। अल्लाह,
सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? ओहो, आ जाऊंगा भाई, खैर तो है? हाँ जी, खैर ही है। वो बच्चे कह रहे थे कि अबू हमें बाहर खाना खिला कर लाएं। अच्छा जी, बच्चे कह रहे थे या बच्चों की माँ? नहीं जनाब, बच्चे ही कह रहे थे। और वैसे भी आजकल जो कुछ बच्चे कहते हैं वही काम होता है। आप मेरी सुनते हैं? आप हुक्म तो करें, हम सरकार के नौकर बाद में, पहले आपके नौकर हैं। आप भी ना ऐसे ही। ओहो भाई, मैं लेट हो रहा हूँ, अब इजाजत? सुनिए, अब क्या हो गया? पहले आपका सदका तो उतार दूं। अच्छा जी, उतर गया, अब इजाजत है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद का जहन से निकाल दो। और वैसे भी यहाँ के रस्तों का हमें पता है, इस्लामाबाद के रस्तों का हमें क्या पता? और गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैंने सब पता करवा लिया है। और मैं जानता हूँ कि कहाँ से कहाँ जाना है। लो जी, सारा मसला हल हो गया, गाड़ी भी मिल गई और जल्दी शनाख्ती कार्ड भी। अब तो खुश। अब तो बच्चों को भी आदत हो गई है सर, अब तो वक्त पर घर जाएं या ईद शब रात घर में मनाएं, उनको भी थोड़ा अजीब लगता है। सोचते हैं इन पर गुस्सा करें या इनसे प्यार। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो जुनैद, अब तो बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी पूरी रात ड्यूटी के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। घर वाली ने कई बार कहा छोड़ दो इस जॉब, मैंने कहा नहीं बख्ते, और कुछ आता भी तो नहीं मुझे। अब तो पुलिस है और हम हैं। हाँ बिल्कुल यही है। अब मेरे ख्याल से हमें एक एक इलाके को चेक करना होगा, एक एक सेक्टर को। बेहतर होगा कि हम दो दो होकर जाएं। इस बात का फैसला बाद में होगा कि हमें कार्रवाई कहाँ करें। मेरा ख्याल है कि ये ठीक कह रहा है। हमें ये भी देखना होगा कि हमने जाना कहाँ से और निकलना कहाँ से। जिस रोड से हम लोग जाएंगे उसके नाकों का भी ख्याल रखना, क्योंकि अगर रोड पे ज्यादा नाके हुए तो भी काम खराब होगा। ओहो, शहर के अंदर इतने नाके नहीं हैं, बाहर निकलते वक्त ही नाके मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ हमें किसी मरकज के अंदर जाने की जरूरत नहीं, जो मरकज कश्मीर हाईवे के करीब है हमें वहीं कार्रवाई करनी चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन पहले हमें जायजा लेना है, वो भी अच्छी तरह। ठीक है तो फिर डन, मैं और शहजाद जाएंगे, और तुम दोनों, मैं और असद F10 और कराची कंपनी का जायजा लेंगे। तुम दोनों जना सुपरमार्केट और बिलियो एरिया का जायजा लो। क्लियर? ठीक। और बहुत होशियारी से सारा काम करना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद है, यहाँ हर बंदा चौकन्ना और होशियार है। अगर हम कामयाब हो गए तो फिर जिंदगी भर मजे, लेकिन अगर नाकाम हो गए तो फिर मौत भी हो सकती है। आ गई समझ? कोई शक है तो पूछ लो। वालेकुम अस्सलाम। हमारा बेटा स्कूल तैयार होकर आ गया, मम्मा ने पैसे दिए? वेरी गुड। अभी तुम चलाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। वेरी गुड। बाबा आप हमें कल बाहर क्यों लेकर गए? ओफो, काम में फंस गया था। एक तो आपके काम ही नहीं खत्म होते, तंग आ गई मैं आपसे। अब हमारी बेटी हमारे काम से तंग आ गई है, क्यों जी? सारी तुम अबू ने बाहर लेके जाते, आप नहीं लेकर जाते। अच्छा इस बार माफी दे दो, अगली बार जरूर लेकर जाऊंगा, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। बेटा बैन वाला हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है, जल्दी से स्कूल जाओ। चलो शाबाश।
अल्लाह से बोल। अल्लाह हाफिज। क्या बात है सर, चाय ठीक नहीं है? तुम्हें भाई के बारे में बताया था ना, उसकी वजह से परेशान। वो डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर कुछ और ही बता रहा था। ओ सर जी, ये छोड़ें डॉक्टरों की, मैं तो कहता हूँ किसी हकीम से इलाज करवाएं। नहीं जरूरत, अब मामलात वो नहीं रहे, अब तो उसके इलाज पर मेरा पैसा काफी खर्च हो चुका है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और सर जी, डॉक्टरों का क्या है, उन्हें जितने मर्जी पैसे खिलाएं, उन्होंने कौन सा राजी हो जाए। वैसे आगे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर किसी मदद की जरूरत हो तो कांस्टेबल जुनेद आ गए। और सर जी, परेशान ना हुआ करें। ठीक कह रहे हो, तुम जैसे भाई हो ना तो किस चीज की फिक्र, मैं तो ऐसे ही परेशान होता रहता हूं। चल उठ, गश्त पर चलते हैं। अगर राउंड जल्दी खत्म हो गया ना तो आज मैंने बच्चों को कहीं लेकर जाना है। चला। ये ले चाय। शुक्रिया। सरफराज भाई से मिल लिया? जी मिल लिया। आपा को यहाँ से पैसे भिजवा दीजिएगा और बिल भी जमा करवाना है। हाँ, भिजवा दूंगा। पैसों का कोई बंदोबस्त हुआ? हाँ, एक दोस्त को कहा तो है, कहता है फिक्र करने की कोई बात नहीं, दे देगा। और आपकी छुट्टी? यार अभी काफी टाइम है डिलीवरी में। कहाँ टाइम बाकी है, सिर्फ 10-12 दिन हैं और आखिरी चेकअप के लिए भी जाना है। आपको कितनी दफ़ा बोला है मैंने, लेकिन आप हो के सुनते ही नहीं हो। इससे तो ट्रैफिक पुलिस की जॉब अच्छी थी, कम से कम टाइम तो देते थे आप। यहाँ कुछ मसरूफियत ज़्यादा है और फिर आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, मैं बड़ी आपा से कहूँगा कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाएँ। किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताएं क्या पकाऊँ? पहले मैंने कभी कुछ कहा है? जो प्यार से खिलाएंगी ना मैं खा लूंगा। अच्छा बात सुनो, माल कितना है? 1-2 करोड़ से कम का माल नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और जो जगह हमने देखी है उसमें एक तरफ तो बिलू एरिया का नाका है, और अगर हम दूसरी तरफ से निकले तो आप पारे का नाका। इसे जो जगह मैंने और असद ने बताई है वही बिल्कुल ठीक है, वहां से वारदात के बाद हम आराम से निकल सकते हैं। क्या उस रास्ते में कोई नाका नहीं? नहीं, उस रास्ते में कोई नाका नहीं। वहां से तो निकल जाएंगे, मगर शहर से कैसे निकलेंगे? एक तो तुम सवाल बहुत करते हो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ सोच के आए, और जहन में रखो कि हम यहाँ वारदात करने आए, कोई चने बेचने नहीं। मुझे तो लगता है कि पुलिस से ज्यादा मैं तुमसे खौफ, अपने अंदर के खौफ को मारो। हाँ तो प्लान ठीक है ना, तुम क्या कहते हो? ठीक है।
अस्सलामुअलैकुम। तो कल आए थे ना आपके पास? हाँ आए थे। हाँ जी वही। अस्सलामुअलैकुम, मैं कल आया था ना आपके पास, पहचाना? आज जरा माल ज़्यादा तो मैं इसलिए बैग लेके आया साहब। जो कुछ है इस बैग में डाल दो फौरन, पिक हाथ करो, ये भी डालो, उसमें डालो, जल्दी 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 करो, अभी कुछ देर यहाँ रुकते हैं, फिर गाड़ी छोड़ के टैक्सी पे निकलेंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस को इत्तला हो गई होगी और उन्होंने सबको वायरलेस कर दिया होगा। एक मिनट, गाड़ी रोको, गाड़ी जरा उधर लेके चलो। काफी बड़ा प्लाजा बन गया, लगता है कोई बड़ी असामी है, इसको भी देखेंगे कभी। मेरी बात सुनो, मेरे पास गोलियां खत्म हो गई हैं।
मेरे पास भी खत्म हो गई है। मेरी भी खत्म हो गई है। ओ यार मेरी भी गोलियां खत्म हो गई हैं। मेरे ख्याल से हमें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। फोर्स बहुत ज्यादा आ गई है, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। अगर गिरफ्तारी नहीं देगा तो मर जाएगा।